अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई टिक्का। चिकन फ्राई टिक्का बनाने के लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, हमने 1.5 teaspoon साबुत कुटी हुई मिर्च ली है, 1.5 teaspoon हमने गरम मसाला लिया है, 1.5 teaspoon नमक लिया है और 1/2 teaspoon सूखा धनिया लिया है। सबसे पहले हम इसमें जो है वो 2 बड़े चम्मच हम दही के ऐड कर देंगे, 2 चम्मच हम बेसन के ऐड कर देंगे और मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी और उसी में मैंने नींबू का रस भी डाल दिया था। अब हम इसमें 2 teaspoon सोया सॉस ऐड कर देंगे। और 2 teaspoon ही हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नेशनल वालों का तिक्का बोटी मसाला। अब इसमें हमने मसाला भी ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ऑयल हमने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इसमें हम चिकन डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जी ये नहीं, चिकन फ्राई टिक्का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।